नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। अगर आप बाइक से कहीं जा रहे हैं तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, एक तो अपनी खुद की सेफ्टी के लिए और दूसरा चालान से बचने के लिए, क्योंकि अगर हेलमेट नहीं पहनना तो पुलिस तो आपके पीछे पड़ जाएगी। आपने देखा भी होगा शहर की सड़कों पर खाकी वर्दी धारी पुलिस और ट्रैफिक जवानों को वाहनों की चेकिंग करते हुए, लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस चेकिंग का नजारा कुछ अलग ही था। यहाँ पुलिस की जगह यम लोक से यमराज धरती पर उतरे और उन्होंने ऐसे बाइक सवारों को पकड़ा जो बिना हेलमेट लगाए और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चला रहे थे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, आपने देखा होगा कई लोग बिना हेलमेट के घूमते हैं, पुलिस की वार्निंग के बाद भी नहीं सुधरते, लेकिन हेलमेट तो उनके लिए ही जरूरी है क्योंकि एक्सीडेंट में हेलमेट जान बचा सकता है। ऐसे में अब मुरैना की सड़कों पर पुलिस ने एक नया तरीका अपनाया है, जहां लोगों को ट्रैफिक नियमों से अवगत कराने और नियमों को तोड़कर ड्राइविंग करने वाले लोगों को सीख देने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने स्पेशल चेकिंग पॉइंट लगाया। यहां यमराज के भेष में सज धज कर खड़े ट्रैफिक के जवान ने बिना हेलमेट वाहन दौड़ा रहे लोगों को कभी अपनी गदा कभी अपनी हंटर को दिखाकर हड़काते हुए कहा कि क्या तुम्हारी जान की सुरक्षा के लिए हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस दौरान बाइक सवारों से यमराज बोले कि हेलमेट नहीं लगाया तो चलना पड़ेगा मेरे साथ। बता दें, चेकिंग के दौरान कुछ बाइक सवारों पर हेलमेट ना होने पर उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। वही वाहन चेकिंग के दौरान कई ऐसे वाहन चालक भी मिले जो हेलमेट लगाए हुए थे। ऐसे वाहन चालकों को रोक कर खुद यमराज ने उन्हें फूल भेंट करके धन्यवाद बोला और कहा, आपसे सीख कर लो, अगर अपनी जिंदगी की चिंता करें तो सड़क हादसों में अपनों को खोने से लोग बच जाएंगे। इसको लेकर ट्रैफिक थाना प्रभारी सूबेदार रोहित यादव का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मुख्यालय के द्वारा पूरे प्रदेश में यातायात जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य मुरैना जिले में भी लगातार सभी थाना प्रभारी यातायात के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसी क्रम में लगातार हम लोग वाहन चेकिंग करके लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। कल आज के दिन हम लोगों ने यमराज को रूप में एक प्रतीक के रूप में अपने प्रधान आरक्षक मुन्ना को हमने यमराज बनाया और वो सड़क पर आए वाहन चेकिंग के दौरान। यमराज ने लोगों को नसीहत भी दी, साथ ही उनको चेतावनी दी और जो बताया उनको हेलमेट का कि हमारे लिए हेलमेट कितना ज़रूरी है, हेलमेट से हमें कितनी सुविधा होती है, इन सभी के बारे में जानकारी दी। साथ में लोगों को सम्मानित किया, जो लोग हेलमेट लगा के चल रहे थे उनको पुष्प दे के यमराज ने सम्मानित किया और जो लोग हेलमेट नहीं लगाए थे उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई लगातार जारी चल रही है, उनको यमराज बिल्कुल समझा के काम कर रहे हैं। दौरान लगभग हम लोगों ने 10 लोगों पर हेलमेट के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है और कार्रवाई लगातार पर डे चल ही रही है हम लोगों की। ये आज विशेष रूप से अभियान चलाया गया था, इसलिए हमारा आज का अभियान इतना ही। फिलहाल आपको बता दें, रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।